बॉलीवुड में वैसे तो काफी हीरोज हैं, लेकिन इनमें से एक है सबसे अलग, और वो कोई और नहीं बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर आमिर खान, जो कि पैदा हुए लेट फिल्म मेकर ताहिर हुसैन के घर 14 मार्च 1956 को मुंबई में। आमिर खान का पूरा नाम है आमिर हुसैन खान, जिन्हें हम सब जानते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के नाम से। 8 साल की उम्र में आमिर खान मेड अ फर्स्ट ऑन स्क्रीन डेब्यू विद नासिर हुसैन 1973 फिल्म यादों की बारात। यादों की बारात निकली है आज। आमिर खान जो कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे और अपने स्कूल के दिनों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा बिजी नजर आए, और उनकी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि आमिर खान फिल्म्स में काम करें। यादों की बारात और मधोश जैसी फिल्म्स में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाने के बाद 1984 में आमिर खान ने फिल्म होली में काम किया। 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से उन्हें ब्रेक थ्रू कमर्शियल सक्सेस मिली। और उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी पर। इधर एक बात आपको बताते चलें कि आमिर खान को अब तक बहुत सी फिल्म्स के लिए बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए नॉमिनेट और विनर करार दिया जा चुका है, लेकिन वो इन अवार्ड्स को नहीं मानते हैं, और उनके मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी मशकूक ही होती है हमेशा। फिल्म क्यामत से कयामत तक, दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, हम हैं राही प्यार के, अंदाज अपना अपना, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, गुलाम, सरफरोश, लगान, मंगल पांडे, रंग दे बसंती, तारे जमी पर और गजनी से लेकर 3 इडियट्स तक आमिर खान ने अब तक बॉलीवुड में लातादाद सुपरहिट फिल्म्स दी, जिनमें बहुत सी फिल्म्स अवार्ड्स और बेस्ट बिजनेस फिल्म्स करार पाईं। आमिर खान अपने हेयर स्टाइल और कैरेक्टर की बदौलत हर नौजवान के दिल की धड़कन बने हैं। उन जैसा चेंज ओवर कोई बॉलीवुड एक्टर अब तक नहीं दे पाया। अगर आमिर खान की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो आमिर खान ने रीना दत्ता से 18 अप्रैल 1986 में शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, जुनेद और इरा। 15 साल के बाद रीना दत्ता और आमिर खान में अलहदगी हो गई। 28 दिसंबर 2005 में आमिर खान ने दूसरी शादी की फिल्म लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से। आमिर खान ने हर दौर में अपने फैंस को एक नया सरप्राइज दिया और एक डिफरेंट हीरो बनकर सामने आए। आमिर के फैंस को हमेशा ही उनकी नई आने वाली फिल्म्स का इंतजार रहता है।